नानक की देशना रही रिमेम्बरेंस पे, जिसको नानक ने बोला सिमरन। अब ये फिर डीप ह्यूमन साइकोलॉजी का पॉइंट है यहाँ पे, समझना इसको। इस सभा में अभी हम सब इस संगत में है, इस संगत में कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जिसको सत्य पता ना हो, कोई ऐसा मित्र नहीं है, हम सब सत्य जानते हैं। एग्जाम्पल प्रश्न पूछता हूं, क्या इस सभा में, इस संगत में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा मित्र है जिसको ये ना पता हो कि अटैचमेंट से दुख होता है? क्या इस संगत में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा मित्र है जिसको ये ना पता हो कि वी विल ऑल डाई? क्या इस संगत में कोई ऐसा मित्र है जिसको ये ना पता हो कि लोभ अल्टीमेटली तकलीफ का कारण बनता है? नहीं, वी ऑल नो दिस। नहीं तो मैंने ऐसे तीन चार एग्जाम्पल चूज किए, ऑल ऑफ अस नो दिस। तो कहने का भाव यह है कि सत्य ढूंढना नहीं है, वो गलत डायरेक्शन है जीवन की कि मैं सत्य खोजने चला, कुछ खोजने जैसा नहीं है इसके अंदर। ये कुछ ऐसा है जो हम सबको पता है, ये हम अपने साथ लेके आए हैं, बीज रूप में होगा बट ये सब हमें पता है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। वी ऑल नो दिस। कितनी बार मृत्यु देखी हमने, कितने लोग मरे कोविड में, हजारों लाखों लोगों की मृत्यु देखी हमने अपने आसपास, तो हम जानते हैं कि हम भी जाएंगे, दो राय नहीं है इस बारे में। वी नो द ट्रुथ। नानक को पता था ये, नानक को पता है कि आदमी सत्य जानता है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आदमी सत्य भूल जाता है, उसको याद नहीं रहती ये बात निरंतर, भुलक्कड़पन हमारी बीमारी है। तो ये बात नानक ने पकड़ी और कहा कि रिमेम्बरेंस इज द प्रॉब्लम, सत्य को ढूंढना नहीं है, सत्य को याद कर लेना है, जो है तुम्हारे भीतर उसको याद कर लेना है, उसको 24 घंटे अपनी चेतना में जाग के याद रखना है। दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू डू। तो दूसरा फिलॉसफी, दूसरा काम नानक ने, या दूसरी लीनेज नानक ने जो बनाई, वो सिमरन की बनाई, रिमेम्बरेंस की बनाई। या ऐसा कहें कि नानक ने जो देशना दी इस विषय पे, वो देशना थी कि तू ही तू, मैं ना ही। नानक की बहुत वाणियों में ये बात निकल के आती है कि तू ही तू, मैं ना ही। नानक परमात्मा को बोल रहे हैं कि तू ही तू है, सब कुछ करता तू ही है, मैं कुछ हूं नहीं इस पूरे प्रोसेस में। और बात सच है, सांस तो वही ले रहा है हमारे भीतर, हम कुछ कर नहीं सकते उसको लेने या रोकने के लिए, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से। खाना खाते हैं हम, वही डाइजेस्ट करता है हमारे लिए, हम कर नहीं सकते खाना डाइजेस्ट। वो चार चपाती कब खून बन जाती है वो वही कर सकता है, हम तो कर नहीं सकते। ये पूरा चांद के निकलने का समय, चांद के पूरा होने का समय, सूर्य के निकलने का समय, एक एक सेकंड वो निर्धारित कर सकता है, हम तो कर नहीं सकते। और अगर इसमें एक सेकंड का भी चूक हो गया किसी दिन, तो ये लाइफ रहेगी नहीं हमारी पृथ्वी पे जैसी है, एक सेकंड की भी चूक से इधर उधर। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस ब्यूटीफुली चल रहा है, ये वही चला सकता है, हम तो चला नहीं सकते। तो नानक ने इस बात को देखा, समझा, अनुभव किया और कहा कि तू ही तू, मैं कुछ ना ही। बट अमूमन हमारी देशना क्या है जिंदगी, कि हम जिंदगी कैसे जीते हैं? मैं ही मैं, तू ना ही। मैं ही सब करता हूं यहां पे, मैं किसी और फोर्स को देखता ही नहीं जो मेरे थ्रू काम करती है। दिस इज द डिल्यूजन ऑफ ईगो, जो तुम्हें दिखाती है कि तुम ही करता हो यहां पे। और नानक उल्टा बोल रहे हैं कि कर्ता पुरख तो तू है, हमारे जीवन में सत्य है कि मैं हूं कर्ता पुरख। तो इस बात को निरंतर याद करने के लिए सिमरन की टेक्निक थी नानक। इसका एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण है, नानक के बाद जो और 9 गुरु आए इस लीनियज में, और जो गुरु ग्रंथ साहब में जो बाणी इंक्लूड की गई और गुरुओं की, कभी बाणी पढ़ के देखो, बहुत आनंद आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण और खूबसूरत बात जो उसके अंदर दिखती है, हर गुरु नानक के बाद अपनी बात को कहता है और उस बात के अंत में बोलता है कहो नानक, मीनिंग कि दिस इज हाउ नानक सेज। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं उस लीनियज का संत हूं
तो मैं इस सारी बात के बाद यही करूंगा कि दिस इज हाउ नानक सेज। तो ये बात कभी नहीं आएगी कि श्री अनिश इज सेइंग दिस, ये बात आएगी दिस इज हाउ नानक सेज। किसी गुरु ने अपनी बाणी पे, अपनी टीचिंग पे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, उसके बाद उन्होंने ये सब समर्पित कर दिया नानक को, क्योंकि फिलॉसफी तो वही थी, तू ही तू मैं ना ही। तो ये जो सत्य है कि मैं चांद सितारे नहीं चला रहा, मैं जिंदगी नहीं चला रहा, ये चल रही है, किसी हुक्म के अधीन चल रही है ये पूरी सृष्टि। दिस नोइंग वी ऑल नो दैट। कभी एक हम में से कोई चला जाता है यहां से, उसका समय पूरा हो जाता है, वो चाह के भी नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि एक हुक्म के अधीन चल रहा है ऐसा। तो नानक ने कहा इस बात को बस तुम याद रख लो, ये सत्य ऐसा है जो तुम जानते हो, बट इसको याद रखो 24 घंटे। तो उस प्रोसेस का नाम दिया सिमरन। और ये सिमरन कैसे हो हमारे भीतर, उसके लिए नानक ने कहा सत्संग करो, कीर्तन करो। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो सत्संग हमारे बीच में चल रहा है, ये उसी उसी सिमरन का एक पार्ट है। बस इस बात को मैं 24 घंटे जीते उगते इस बात को बस याद रखूं कि तू ही तू मैं ना ही।